बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। केंद्र सरकार ने सोमवार को हाल ही में अधिसूचित एंटी पेपर लीक कानून के तहत नियमों को सार्वजनिक किया। इसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA को कंप्यूटर आधारित टेस्टों के लिए मापदंड, मानक और दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के लागू होने के कुछ दिनों के भीतर ही नियमों को अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस कानून से पहले केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं या लोगों द्वारा अपनाए गए अनुसूचित साधनों या अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो ये भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अनुसूचित साधनों का इस्तेमाल रोकने के खिलाफ पहला राष्ट्रीय कानून है। ये विधेयक लोकसभा में बीते 6 फरवरी और राज्यसभा में 9 फरवरी को पारित हुआ था। 13 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर अपनी मुहर लगा दी थी। इस कानून का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और NTA सहित अन्य द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुसूचित साधनों को रोकना है। इसमें धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए मिनिमम 3 से 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है तथा धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 वर्ष की कारवास तथा मिनिमम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। कुल मिलाकर इस सख्त कानून का उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में कदाचार व अनियमितताओं को रोकना और पारदर्शिता, निष्पक्षता व विश्वसनीयता लाना है। सार्वजनिक परीक्षा नियम 2024 23 जून को जारी किया गया और सोमवार को सार्वजनिक किया गया। इसमें सार्वजनिक परीक्षा अथॉरिटी द्वारा अन्य सरकारी एजेंसियों की सेवा लेना, मापदंड, मानक और दिशा निर्देश तैयार करना और अनुसूचित साधनों या अपराधों की घटनाओं की रिपोर्टिंग आदि के प्रावधान हैं। नियमों में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से NRA हितधारकों के परामर्श से परीक्षा के कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड के लिए मापदंड, मानक और दिशा निर्देश तैयार करेगी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इसमें सार्वजनिक परीक्षा केंद्रों के पंजीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्रों के भीतर स्थान की आवश्यकता, बैठने की व्यवस्था का लेआउट, कंप्यूटर नोट्स की विशेषताएं और लेआउट, सर्वर और नेटवर्क बुनियादी ढांचे के लिए विशेषताएं और कंप्यूटर आधारित टेस्ट के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की विशेषताएं आदि शामिल होनी चाहिए।